हेलो दोस्तों, क्रिकेट अपना में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, कल टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड ने 246 रन बनाए थे। जवाब में भारत ने यशस्वी जायसवाल के शानदार अर्धशतक की मदद से एक विकेट खो के रोहित शर्मा का विकेट खोने के बाद 119 रन बना लिए थे। खेल समाप्ति पर शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल नाबाद बैट्समैन थे। भारत ने जायसवाल के रूप में दिन का पहला झटका लगा। जायसवाल शतक से चूक गए और जो रूट के पहले ही ओवर में आउट हो गए, जिस तरह उनकी चमत्कारी पारी का अंत हो गया। दिन का खेल समाप्त होने तक जडेजा 81 रन पर नाबाद हैं और एक और शतक की ओर बढ़ रहे हैं। अक्षर पटेल 35 रन बनाकर उनका साथ निभा रहे हैं। इस रन में भारत के पास 175 रन की अच्छी खासी बढ़त है। भारत तीसरे दिन पहले सेशन में बल्लेबाजी करने के बाद इंग्लैंड को दूसरी पारी के लिए बुला सकता है। मैच पूरी तरह से भारत के कब्जे में है और भारत लगभग अपराजेय स्थिति में दिख रहा है। देखते हैं तीसरे दिन भारत अपनी बढ़त कहां तक लेके जाता है। आज के खेल की खास बात केएल राहुल के शानदार बैटिंग रही है। उन्होंने धीमी शुरुआत के बाद जब अपने हाथ खोले तो इंग्लैंड की गेंदबाजी की बखिया विधेड़ कर रख दी। उनका रविंद्र जडेजा ने बेहतरीन साथ दिया। सदाबहार जडेजा 81 रनों पर नाबाद हैं और इंग्लैंड की मुश्किलें और बढ़ाने के लिए तैयार हैं। चलिए देखते हैं कल क्या होता है। तीसरे दिन के खेल का इंतजार रहेगा। जय हिंद।